गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स पंजाब नेशनल बैंक में, जैसे कि आपको पता है कि रिक्रूटमेंट हुई थी पीओन को लेकर, उसमें 10th और 12th के मार्क्स के आधार पर जो है कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर आए हुए हैं, क्या ज्वाइनिंग लेटर है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंटेशन वेरीफिकेशन के बाद कराने हैं, ज्वाइनिंग के बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको जो है साक्ष के समय प्रस्तुत करने होंगे और क्या सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा, सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय हल्द्वानी सर्किल ऑफिस मानव संसाधन विकास विभाग, इनकी ये HRD डिपार्टमेंट की ओर से आप देख सकते हैं HRD अपॉइंटमेंट यानी कि नियुक्ति पत्र जो 28 मार्च को रिलीज हुआ है, और इसमें जो ज्वाइनिंग करनी है 10 अप्रैल तक इसमें जो है ज्वाइनिंग करनी है। आप देख सकते हैं बाय पोस्ट और स्पीड पोस्ट से ही आया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक अधीनस्थ सेवक में चपरासी ही, तो नियुक्ति यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर इन द सबऑर्डिनेट कैडर एज अ पीओन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पर जो है डिटेल दिया गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संदर्भ में सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित शर्तों के आधार पर आपका चयन जो है अधीनस्थ संवर्ग चपरासी पद के हेतु निबंधन में शर्तों पर किया गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पर ये जो है डिटेल यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप मासिक मूल वेतन 4500 प्रतिमाह के अलावा द्विपक्षीय समझौता अवार्डों के अंतर्गत आपको अन्य भत्ते भी यहाँ पर जो है दे होंगे। यहाँ पर मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, तो इसको आप समझ सकते हैं अच्छे से कि यहाँ पर जो चीज़ ये समझाई गई है इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स के सैलरी स्ट्रक्चर को लेकर कमेंट आ रहे थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं योर मंथली बेसिक सैलरी विल बी 14,500 प्लस अदर अलाउंसेस आर एडमिशेबल अंडर बाय पार्टीज सेटलमेंट अवार्ड, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा कौन कौन से वो होने वाले हैं, किस तरह से आपको उसमें फॉर्म भरना है। यहाँ पर सबसे पहली बात है यू विल बी ऑन प्रोबेशन फॉर ए पीरियड ऑफ 6 months, बैंक मे एट इट्स डिस्क्रिशन टर्मिनेट्स यूअर सर्विस एट एनी टाइम, ठीक है। यहाँ पर कि अगले 6 महीने के लिए आपको परीक्षा में रखा जाएगा, यानी कि ट्रेनिंग के दौरान रखा जाएगा। बैंक अपने विवेक को अगर पाया जाता, अगर उस दौरान कोई गड़बड़ी पाई जाती तब उसको टर्मिनेट किया जाता, अदरवाइज आपको जो है कंटिन्यूसली आगे पढ़ा दिया जाएगा। तो उसके अलावा यदि आप बैंक की सेवा से त्यागपत्र देने के निर्णय लेते हैं तो आपको बैंक को 1 माह का नोटिस देना होगा, यानी कि अगर आप रिजिग्नेशन देना चाहते हैं तो 14 डेज का एटलीस्ट जो है यहाँ पर जो है आपको टाइम देना पड़ेगा बैंक के लिए, ठीक है। तो ऊपर हमने आपको बता दिया क्या क्या सैलरी स्ट्रक्चर होगा, क्या क्या उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरा नंबर जो पॉइंट है, यदि आप बिना नोटिस दिए बैंक से सेवा छोड़ते हैं तो आपको 1 माह का वेतन और भत्ता आपको भुगतान करना होगा, यानी कि वापस आपको रिटर्न जो है देना होगा अगर आप बिना नोटिस के छोड़ते हैं, ठीक है। आप वेतन भत्ते छुट्टी यात्रा भत्ते एवं अन्य सेवार्थों से संबंधित मामलों में बैंक के नियमों के अनुसार होगा, तो उसको आप एक तरह से गूगल भी कर सकते हैं क्या क्या अलाउंसेस जो है PNB पीओन को देती है, तो आपको वहाँ पर सारी डिटेल मिल जाएगी। पाँचवें में आप दे सकते हैं यदि बैंक द्वारा आपको कोई अतिरिक्त भुगतान किया जाता है जो कि वेतन के गलत निर्धारण और वेतन में आपको किसी अतिरिक्त और भुगतान के लिए दिया जाता है, तो अधिकारी इसमें जो है साक्ष्य नहीं होंगे। ये सारी चीज़ें आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। अच्छा, छठवें पॉइंट में क्या है कि समय समय पर जो है करी वेतन इसका जो है स्ट्रक्चर है वो चेंज होता रहता है, तो उस हिसाब से इसमें होगा, ठीक है। सारा कुछ यहाँ पर डिटेल में दे के रखा है। तो और यहाँ पर जो इनको कार्यभार ग्रहण करना है, यानी यू शुड रिपोर्ट एट 11/4/2022, यानी कि 11 अप्रैल को इनको ज्वाइनिंग करनी है 10 बजे, कहाँ पर, जो पंजाब नेशनल बैंक है जो यहाँ पर जो इनकी पोस्टिंग हुई हल्द्वानी में हुई है, तो यहाँ पर इनको ज्वाइनिंग करनी है, और जिस टाइमिंग पे ज्वाइनिंग करनी है और जिस डेट पे ज्वाइनिंग करनी है सारा कुछ यहाँ पर इन्होंने डिटेल में दे के रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसमें फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आपको यहाँ पर करनी होगी, ठीक है। और उसमें क्या है, कार्य ग्रहण करने की तारीख को आपको निम्नलिखित में से किसी एक द्वारा जो है स्वास्थ्य प्रमाण पत्र यहाँ पर लाना होगा ज्वाइनिंग के टाइम में, जिला सरकारी अस्पताल या फिर किसी भी जो अधिकृत चिकित्सक है उसके द्वारा यहाँ पर आपको जो है लाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर और भी यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं, और यहाँ पर जो ज्वाइनिंग के टाइम पर निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आपको नई पेंशन योजना यानी NPS के तहत यहाँ पर पैन कार्ड प्रस्तुत करना होगा, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड कोई भी, उसके अलावा बैंक डिटेल चेक के रूप में एक कैंसिल चेक देना होगा, ठीक है। उसके अलावा जो फॉर्म वगैरह होंगे या आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है फॉर्मेलिटीज़ के लिए यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, अभी मैं वो आपको सारी चीज़ जो है दिखाऊँगा, ठीक है। तो ये रही, उसके अलावा बैंक में कार्य ग्रहण करने के समय आपको अनुबंध एक फॉर्मेलिटीज़ बॉन्ड होता है वो भी आप
आपको यहाँ पर भरना होगा। और अगर आप SC ST OBC या फिर EWS में आते हैं तो वो अगर सर्टिफिकेट भी यहाँ पर आपको लगाना होगा। तो सारी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरी चीज़ है। उसके अलावा रिसिप्ट और सर्टिफिकेट रिपोर्ट फ्रॉम पुलिस अथॉरिटीज़ के जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पर आपको जो है सब कुछ यहाँ पर प्रस्तुत करना होगा। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं ये पूरी डिटेल है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं भौदी यानी कि चीफ मैनेजर जो हैं उनके सिग्नेचर हैं। तो ये रही ज्वाइनिंग लेटर, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर सैलरी स्ट्रक्चर्स वगैरह क्या क्या होते हैं और क्या क्या इसमें होगा मैंने सब कुछ आपको यहाँ पर डिटेल में बता दिया। आप चलते हैं कुछ फॉर्म के ऊपर जो आपको फॉर्म यहाँ पर सबमिट करने होंगे। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये अलग अलग टाइप के फॉर्म हैं जो आपको ज्वाइनिंग के टाइम में एज अ फॉर्मेलिटीज़ करनी होंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्नॉलेजमेंट फॉर्म, एग्रीमेंट फॉर सर्विस, उसके अलावा अटेंडेंस फॉर्म, फोन नंबर जहाँ पर आपको 4 कॉपीज रिक्वायर्ड होंगी, ठीक है। उसके अलावा बायोडाटा, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका होगा, ठीक है। उसके अलावा डिक्लेरेशन ऑफ फिडेलिटी, देन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आपका हो तो, उसके अलावा ग्रेजुटी नॉमिनेशन फॉर्म, HRMS फॉर्म, उसके अलावा आइडेंटिटी फॉर्म, मेडिकल रिपोर्ट और रेफरेंस फॉर्म, ठीक है। इसका मैं एक आपको स्नैपशॉट थोड़ा सा दिखा देता हूँ। सो गाइस ये फॉर्म होते हैं जो कि आपको ज्वाइनिंग के टाइम पर भरने होते हैं, जो कि आपको मेल के थ्रू भी आप यहाँ पर सारा कुछ देख सकते हैं। एग्रीमेंट ऑफ सर्विस का फॉर्म, अटेंडेंस का फॉर्म, अटेस्टेशन का फॉर्म, देन आपको यहाँ पर बायोडाटा, देन कास्ट सर्टिफिकेट अगर इसमें एप्लीकेबल है, उसके अलावा डिक्लेरेशन फॉर्म ऑफ फ्रेडिटी, देन डिसेबिलिटी, उसके अलावा ग्रेजुएटी नॉमिनेशन, HRM फॉर्म और आइडेंटिटी फॉर्म, मेडिकल रिपोर्ट फॉर्म, रेफरेंस फॉर्म, इस तरह से। अब मैं आपको एक फॉर्म यहाँ पर ओपन करके दिखा देता हूँ। ये रहा फ्रेंड्स बायोडाटा का फॉर्म, आप देख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक की ओर से यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने के लिए उम्मीदवार के द्वारा जो है उस दिन भरा जाएगा जिस दिन वो रिपोर्टिंग करेगा। जैसे कि आपने देखा होगा इस फॉर्म के जो ज्वाइनिंग लेटर था उसमें जो ज्वाइनिंग करने की डेट है वो 10th of April है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा कुछ दिया हुआ इंस्ट्रक्शन, फॉर्म को भरना है, रिपोर्टिंग फॉर ज्वाइनिंग है यानी कि किस तरह से ज्वाइनिंग आप कर रहे हैं के रूप में, ठीक है। यहाँ पर वो कंप्लीट नेम, वर्तमान पता, स्थायी पता और दूरभाष, उसके अलावा आपकी आयु क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, नेशनलिटी, धर्म, रिलीजन, हाइट, वेट यहाँ पर, उसके अलावा किस कैटेगरी में आते हैं, अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, उसके अलावा अगर आप हैं तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको जो है भरनी पड़ेंगी, ठीक है। अगर आप सुन सकते हैं नहीं सुन, मतलब काफ़ी चीज़ें जो है सारी डिटेल जो ह्यूमन बींग्स की होती हैं, फादर नेम, एड्रेस नेम, यहाँ पर टोटल डिटेल आपको भरनी है। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ोटो भी यहाँ पर आई थिंक करनी है, यस फोटो यहाँ पर जो है आपको अटेस्ट करनी है, लगानी है। तो ये रही जो है बायोडाटा का फॉर्म। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये HRMS का फॉर्म है, यहाँ पर आप देख सकते हैं HRMS का फॉर्म है, यहाँ पर कैंडिडेट का नाम, ठीक है, उनके माता जी का नाम, फादर नेम, स्थायी पता, पत्रा व्यवहार, PNB में किस पद पर आपने ग्रहण किया है यानी कि कौन से पोस्ट पे आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं, किस कैटेगरी में हैं, ईमेल, होम टाउन, वैवाहिक स्थिति, मेल आईडी, डोमिसाइल, प्लेस ऑफ बर्थ, मैंने सारा कुछ यहाँ पर डिटेल में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लड ग्रुप, उसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेशन, यानी कि ज्वाइनिंग के टाइम भी इतनी फॉर्मेलिटीज़ की जाती हैं कि मतलब इतना तो फॉर्म भी नहीं भरता होगा कोई उस समय ये डिटेल पूछी जाती है, यानी कि एक तरह से आपका ये पूरा वेरिफिकेशन करता है बैंक की एक्चुअल में आपके कोई भी डॉक्यूमेंट में कुछ चीज़ मिसिंग तो नहीं है। आप देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, किस स्ट्रीम से पास हुए हैं आप, कब आपने पास किया है, उसके बाद कितने परसेंटेज हैं, किस यूनिवर्सिटी से हैं, तो ये जो है सारी डिटेल है। आपको हिंदी बोलना आता नहीं आता है, लिखना आता नहीं आता, पढ़ना आता है, अंग्रेज़ी, अन्य अदर भाषाएं अगर आपके आती हैं या नहीं है, तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं डिपेंडेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ पे है, आप देख सकते हैं नेम, रिलेशंस, नेम यहाँ पर जितने भी आपसे जो डिपेंडेंट है उनकी यहाँ पर आप जो है नाम लिस्ट ऑफ देख सकते हैं, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट यानी कि आपको अगर आपसे कॉन्टैक्ट करना हो तो नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, तो सारी। और उसके अलावा यहाँ पर किसी भी उम्मीदवार द्वारा पैन नहीं लिया गया तो उसको कार्यग्रहण के 1 माह के अंदर जो है उसको पैन जो है लेना पड़ेगा, पैन नंबर जो कि काफ़ी कंपलसरी है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर डेजिग्नेशन जो इसको चेक करेंगे जो ऑफिस
ऑफिशियल्स होंगे उसको चेक करेंगे, तो यहाँ पर सारी चीज़ें आप अच्छे से देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरी चीज़ आपको बताई किस तरह से यहाँ पर PNB के प्यून के लिए जो ज्वाइनिंग लेटर आता है किस तरह से आता है, क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरी हैं और क्या क्या वेरीफिकेशन है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स के कॉमेंट इसको लेकर आ रहे थे, और सैलरी स्ट्रक्चर को लेकर भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर जो बेसिक पे रहने वाला है वो 14,500 के ऑलमोस्ट आसपास रहने वाला, और उसके अलावा सारे अलाउंसेस उसमें इंक्लूड हैं, जिसके आप एक बार PNB के गूगल में जाके जो है अलाउंसेस चेक कर सकते हैं। और उसके अलावा कोई भी कमेंट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।